भारत में कई ऐसी जगह हैं जो अपने रहस्यमय कारणों के चलते हमेशा चर्चा में रहती हैं। उन्हीं में से एक है राजस्थान में स्थित कुलधरा गांव। कहा जाता है कि यह गांव पिछले कई सालों से शापित हो रखा है। इस कड़ी में आज हम कुलधरा गांव के रहस्य को जानेंगे। कुलधरा गांव के इस रहस्य के पीछे एक ऐतिहासिक घटना छुपी हुई है। इस गाँव में पिछले कई सालों से कोई बसेरा नहीं हुआ है। गांव के आसपास के लोगों का कहना है कि यहां पर अक्सर कई भूतिया घटनाएं होती रहती हैं। इस कारण यहां पर कोई भूल कर भी नहीं जाने की कोशिश करता। आज ये पूरी जगह बंजर और वीरान हो चुकी है। जर्जर हालतों में पेड़ यहां के खंडहर आज भी उस घटना की गवाही देते हुए दिखते हैं, जिसने इस सुंदर गाँव को एक वीराने में तब्दील कर दिया। कुलधरा गाँव आज जिस हालत में है, वैसे पहले कभी नहीं था। ये गांव पहले काफ़ी सुंदर हुआ करता था। आज से लगभग 200 साल पहले कुलधरा गांव में पालीवाल ब्राह्मण काफ़ी संख्या में रहते थे। 1825 में अचानक इस गांव को सभी लोगों ने खाली कर दिया। मान्यता है कि गांव को खाली करते हुए लोगों ने यह श्राप दिया कि जो गांव में बसने की कोशिश करेगा वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। उस घटना के बाद ये गाँव अब तक वीरान पड़ा है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते पालीवाल ब्राह्मण और बाकी लोगों ने गांव को छोड़ते हुए, इसे जानने के लिए हमें कुलधरा के इतिहास पर गौर करना होगा। इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने सन 1291 में बसाया था। पालीवाल ब्राह्मण पाली के निवासी थे। वे सभी 11वीं शताब्दी में पाली से विस्थापित होकर राजस्थान के विभिन्न स्थानों जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर आदि में आकर रहने लगे। उस दौरान कुलधरा काफ़ी समृद्ध गाँव हुआ करता था। ये गांव हर सुख सुविधाओं से संपन्न था। यहां पर कई कई बड़ी बड़ी हवेलियां। अचानक इस गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक मान्यता के अनुसार यहां की रियासत के दीवान सालेम सिंह की नज़र गांव की पुत्री शक्ति मैया पर थी। वह उसके साथ विवाह करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण अपनी पुत्री का विवाह किसी दूसरी बिरादरी में नहीं करना चाहते थे। ऐसे में सालेम सिंह ने गाँव वालों को धमकी दी कि वह अगर शक्ति मैया से उनकी शादी नहीं करवाते हैं तो पूरे गांव को तहस नहस कर देगा। ऐसे से गांव के सभी पालीवाल ब्राह्मणों ने पंचायत में यह निर्णय लिया कि इस गांव को छोड़ देंगे। उसके बाद सभी ब्राह्मण गांव को वैसा ही छोड़कर रातों रात वहां से चले गए। जाते वक्त उन्होंने यह श्राप दिया कि जो कोई भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। जो थोड़ा वैज्ञानिक लगती है उसके मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इस गाँव को छोड़ने का मुख्य कारण सूखा और गाँव में पानी की जलस्तर का नीचे गिरना। हल्की आज भी कई लोगों का कहना है इस गांव में श्राप के कारण भूतिया घटनाएं होती हैं। ओके, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राम राम। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो।